वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियो राणा रौ न को रहे रंग ना तोंग फकीर वारी अपो अपनी कोई ना बंदे तीर कबीर मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार ज्यों बन फल पाके पोए ग्रहे बहुर ना लग डार रैन गवाई सोई कै दिवस गवाया खाई हीरे जैसा जन्म है औटी बदले जाए तुर जीना हर के जन्म अमोल कहीरा तुर जीना हर के जन्म अमोल कहीरा जन्मया
जांदा बीतदा जांदा जांदा बीतदा जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी सतगुरां दी साजी नवाजी साध संग जी आज आपां जो कि साडे बहुत ही सत्कार योग ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी नत जिन्हें गुरु साहब सचे पातशाह जी ने उन्हां नूं सवासां दी पूंजी बख्शिश कीती ओ सवासां दी पूंजी नूं पूरी करदे होए कुछ रोजां तों लैके गुरु महाराज जी दे चरणां च जा विराजे सन उन्हां दी आत्मक शांति वास्ते उन्हां दे सारे पिछों परिवार ने रल मिल के गुरु साहब जी दी बाणी दा सहारा लैंदे हुए गुरु जी दी बाणी दा ओ टासरा तकदिया होया ग्रह विखे कुछ रोजां तो लैके श्री सहज पाठ साहिब प्रारंभ करवाए गए सन जो कि गुर मर्यादा के अनुसार ग्रह विखे अमृत वेले भोग पाए गए भोग तो उपरंत गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी की चरण छोह प्राप्त धरती गुरुद्वारा मंजी साहिब पातशाह दसवीं विखे अंतम अरदास होवेगी आओ इस वक्त आपां कीर्तन दे विच हाजरी भरीए मन बिरतियां नूं एकागर करके बैठण दा यतन करिए तां जो थोड़ा समा आपां गुरबाणी सरवण करके कथा कीर्तन सरवण करके आपां आपो अपना मनुखा जन्म सफल बनाईए
जिहदी बाबत गुरबाणी दे विच सतगुरु जी बचन करके समझाउंदे ने। कहिंदे प्राणी तू आयो लाहा लैण, लगा कितक फकड़े सब मुकदी चली रहण। हे जीव तू इस संसार ते किस मनोरथ वास्ते आया। हे जीव तेरे इस संसार ते आउण दा प्रयोजन की है। तेरा दुनिया ते आउण दा मनोरथ की है। ओ मनोरथ है प्राणी तू आयो लाहा लैण, इस संसार ते तू लाहा लैण वास्ते आया भाई। ओ लाहा लैणा किसदा? ओ लाहा लैणा परमात्मा दे नाम दा। प्राणी तू आयो लाहा लैण, कहिंदे लगा कितक फकड़े सब मुकदी चली रहण। होर धंदियां दे विच सारी जिंदगी बतीत कीती है, समा अपनी चाल चली जांदा है, दिन रात लंघी जा रहे ने, पर कहिंदे ओ वाहिगुरु दा सिमरन कर, ओ वाहिगुरु दी बंदगी कर भाई। जिस मनोरथ वास्ते तू इस संसार ते आया है, क्योंकि गुरमुखो इस संसार ते जो भी जीव आया है उसने एक न एक दिन दुनिया तो चले जाना, क्योंकि चलो चली दा मेला इथे सब दी कूच तैयारी है। ए किसे नू कोई पता नहीं कल नू किस दी वारी। जाना इस संसार तो सारिया ने पाई, ये रब दा कानून है। साधु रचना राम बनाई, एक बिन सिर एक अस्थिर, एक अस्थिर कर माने अचरज लखियो ना जाए। कहिंदे हे मालका ये तेरी कैसी रचना रची है, एक बिन से एक अस्थिर कर माने, ये महाराज तेरी किदां दी रचना रची है। जेड़ा भी जीव इस संसार ते आया उसने एक दिन दुनिया तो चले जाना, पर एक बिन से एक आस्थर कर मन। एक ओ भी बंदा इस संसार ते भेजिया जेड़ा मन विच सोचदा एक ना एक दिन दुनिया तो जाना ही जाना। आखो सतनाम। एक तो बंदा यह सोचता भी जदों बुलावा आ गया जाना ही पैना। एक बिन से एक आस्थर कर मन। एक कहिंदे सदा ही सोची बैठा भी मैं इस दुनिया ते सदा ही रहना, पर कहिंदे हे मालका दोवें बंदे तेरे इस संसार ते भेजे ने, पर जेड़े बंदे नूं एक गल चेता रखियो मरना चेते आए, उस बंदे नूं रब भी चेते आ। आखो सतनाम। जेड़े बंदे नूं मरना चेते आ जी उस नूं रब भी चेते आ, जेड़े बंदे नूं रब चेते नहीं उस बंदे नूं मरना भी चेते नहीं। एक बिन से एक अस्थिर कर मन है अचरज लखियो ना जाई। कहिंदे काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई। जेड़े काम क्रोध मोह दे विच फस जांदे ने ना
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮੰਨਿਓ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਚੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਝੂਠਾ, ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਜਾਣਿਓ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਨੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੈ ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਲੈ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੈ ਜੋ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਣਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ
ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਜਗ ਸੁਪਨੇ जग जीवन ऐसा सुपने जैसा। जेड़ी जिंदगी है ना भाई सुपने दी नहीं आई है। इस करके इस संसार ते रहना किसी ने नहीं पाई। सारे ने अपनी वारी दे अनुसार चले जाना साधु रचना राम बनाई। ये परमेश्वर दी रचना ही इदा दी रची है। जेड़ा जीव इस संसार ते आया उसने एक ना एक दिन दुनिया तो चले जाना। जिमें के बाबा बुढ़ा जी होए ने मौत भी कई प्रकार दिया प्यारे। एक समाजिक मौत हुंदी है, एक शरीरक मौत हुंदी है, एक राजनीतिक मौत हुंदी है। बड़े तरह की मौत है जी। एक ता उहने जदों मर जांदे ने दुनिया तो चले जांदे ने उहनां नूं कोई बाद विच याद नहीं करदा। एक रब ने इह जिहां संसार ते विरलियां रूहां भेजियां हुंदियां ने जदों उह दुनिया तो चले जांदे ने ना दुनिया उहनां नूं याद करदी है। उह हुंदी है रूहानी मौत। हुण साध संग जी धन बाबा बुढ़ा जी होए ने जिहड़े पहले ग्रंथी होए ने दरबार साहिब दे। बाबा बुढ़ा साहिब जी दी बचपन दी उम्र 12 साल दी सी जदों गुरु नानक देव महाराज जी दी संगत होई। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी कीर्तन करदे ने, भाई मरदाना जी रवाब वजाउंदे ने, भाई बाला जी चौर दी सेवा करदे ने। बाबा बुढ़ा जी दी जिहड़ी उम्र है बचपन है 12 साल दी उम्र है ते घरदिआं दे नां रख्या सी प्रेम दे नाल बूढ़ा। जदों गुरु नानक देव महाराज जी कीर्तन करिया करन ते बाबा जी पिछे बैठ जाया करन, जदों कीर्तन दा भोग पिया करे समाप्ति होया करे सब तो बाद विच जाया करन, जदों बाद विच जाया करन एक दिन भी इदां होया दूजा दिन भी इदां ही लंघ गया। जदों तीसरे दिन भी ना कीर्तन की समाप्ति हुई गुरु नानक देव महाराज जी आखण लगे मरदानिया ए जेड़ा बच्चा छोटी उम्र का 12 साल की उम्र का बच्चा रोज सतसंग दे विच आउंदा कीर्तन सुनदा जदों समाप्ति हो जाती है सारी संगत चली जाती है ये बाद विच जांदा। अज जदों जाएगा ना इस बच्चे नूं बिठा के रखियो इन्हां दे नाल आपां बचन करांगे। कहिंदा सत बचन महाराज। हुण साध संग जी कीर्तन दी समाप्ति हुई सारी संगत जदों चली गई भाई मरदाने ने उस बच्चे नूं बिठा लिया गुरु नानक देव महाराज जी दे कोल लै गए। गुरु नानक देव महाराज आखदे ने कहिंदे काका तेरा की नाम है। कहिंदे जी घरदिआं ने प्रेम दे नाल बूढ़ा रखिआ। काका रोज तू संगत करन वास्ते आउंदा है तेरी 12 साल दी उम्र है इस ए उम्र बचपन है ये खेडण हसण दी उम्र है।
तेनू सतसंग दी लगन लगी कित्थों है? वेखियो भाई, ओ बाबा बुढ़ा जी ने फिर जवाब की दिता सी गुरु साहब जी, काका तेरी हसन दी उम्र आ, खेडन दी उम्र आ, कुदन दी उम्र आ, तू सतसंग करदा ए तां वड्डी उम्र आलियां दा काम आ, तेनू लगन काका लगी कित्थों? ओ फिर आखण लगे बाबा जी, कहिंदे सतगुरु जी एक दिन मैं जदों अपने घर दे विच सी ना, मेरी मां प्रशादा जदों बनाण लगी, थाली दे विच जदों आटा छाण के लियाउण लगी, ते मेरी मां आखण लगी, वे बूढ़िया मैं अंदरों आटा छाण के लियाउणी आ, आटा गुन्न के लियाउणी आ, तू मेरे आउण तों पहला पहला चुल्हे दे विच अग मचा। कहिंदा सतगुरु जी मैं वड्डियां लकड़ां चुल्हे दे विच लाइयां, बड़ा जतन कीता अग ना लगी, इन्ने नू मेरी मां आ गई। जदों बाहर आई आखण लगी, वे बुढ़िया तेथों अजे तक अग ही नहीं मची? कहिंदा नहीं मां। जदों मां ने वेख्या भी चुल्हे दे विच वड्डियां वड्डियां लकड़ां लाइयां ने ना, ओ मां ने कमाल दा वचन कीता, बे बूढ़िया जदों चुल्हे दे विच अग मचाई दी आ ना, अग वड्डियां लकड़ां नूं नहीं पहला चढ़दी, पहला छोटियां लाउणियां पैंदियां ने। आखो सतनाम। जदों छोटियां लकड़ां नूं छोटियां तीलां नूं अग लावांगे ना, फिर अग वड्डियां लकड़ां नूं पैंदी है। कहिंदा सतगुरु जी मेरी मां ने इन्नू ही गल आखी सी, मैं मन विच सोचिया, ओ मना जिद्दां ये छोटियां लकड़ां नूं छोटियां लकड़ां दी पहला वारी आ गई है, मैं भी छोटी उम्र दा किते मेरी भी उम्र पहला ही ना आ जाए। आखो सतनाम। जिवें इन्हां दी वारी आ गई है, किते मेरी वारी भी पहला ना आ जाए। ते सतगुरु जी फिर मैं ये बचपन सतसंग दे लेखे लाया। आखो सतनाम। ते गुरु नानक देव महाराज पता की कहिंदे, कहिंदे काका जिहड़ियां तू गल्लां करदा ये बच्चिआं वालीआं तां है नहीं, ये बच्चिआं वालीआं गल्लां नहीं, ये गल्लां ने सियाणे वालीआं, ये गल्लां ने बुढ़े वालीआं, सतसंग दीआं नाम जपण दीआं भजन बंदगी दीआं गल्लां करदा ये गल है बुढ़िआं दीआं। तेरा ना बूढ़ा नहीं, तेरा ना ही अज तों बुढ़ा। आखो सतनाम। फिर गुरु नानक देव महाराज जी ने बूढ़े तो ना रखिया सी बुढ़ा, बाबा बुढ़ा। साध संगत जी फिर इन्नी सेवा कीती, इन्नी सेवा कीती, गुरु घर दे ग्रंथी रहे, गावां नू पालना, मझां नू पालना, सब्जियां उगाउणियां, जिन्ना दुध हुंदा सी, जिन्नियां सब्जियां हुंदियां सी ना प्यारिओ, सारियां कहिंदे हत्थीं आप बाबा बुढ़ा जी दरबार साहिब दे के आउंदे सी। और पहली पातशाही दी संगत कीती, जदों दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव महाराज जी नूं तिलक लाउण दी रस्म होनी सी ना, अगली गद्दी देनी सी महाराज ने, ओह भी बाबा बुढ़ा जी ने कीती। सुनियो गल कमाई दी हुंदी आ प्यारिओ, जिन्हां दा जप तप हुंदा, जिन्हां दी बंदगी हुंदी है, जिन्हां दा उच्चा सुच्चा जीवन हुंदा, जेड़े बंदे दुनिया तो बेदाग जांदे ने,
साध संग जी उना दिया पफर बाता कर दें उना दा इतिहास दे विच जिकर आउंदा जी। गुरु नानक देव महाराज जी तो बाद गद्दी दित्ती गुरु अंगद देव महाराज जी नूं, गुरु अंगद देव महाराज जी तो बाद गद्दी दित्ती गुरु अमरदास महाराज जी, फिर चौथे पातशाह जी नूं भी, फिर पंजवें नूं भी, ते छेवें पातशाह जी दे बचन, छेवें पातशाह जी दा जन्म ये भी बाबा बुढ़ा जी दे बचना नाल होया सी। आखो सतनाम क्योंकि माता गंगा जी गुरु अर्जन देव महाराज जी दे घरों, माता गंगा जी ने बेनती की सी पंजवें पातशाह नूं, सतगुरु जी जिन्नियां भी संगतां तुहाडे दर ते आउंदियां ने तुसी सब दी झोली भर दिओ महाराज, मेरी भी झोली भरो, मैनू भी पुत्र दी दात बख्शो। ते फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आख्या सी गंगा जे पुत्र दी दात लैनी आ ना ते बाबा बुढ़ा जी दे पास जाओ। माता गंगा जी फिर गए बाबा बुढ़ा जी दे पास, कहिंदे बाबा जी पुत्र दी दात बख्शो। रथां ते गए नाल होर सेवादार गए, बाबा जी पुत्र दी दात बख्शो। गुरु साहब जी ने भेजिया गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, ते बाबा बुढ़ा जी दे विच इन्नी निम्रता आखण लगे मैं कौन हुन्ना पुत्रां दियां दातां देण वाला, पुत्रां दी दात देण वाले तां ओही ने। आखो सतनाम गुरु साहब ही है। माता गंगा जी फिर मुड़ गए सी, सुनियो गल, माता गंगा जी जदों वापस गए गुरु साहब जी नूं बेनती कीती, कहिंदे महाराज जी तुसी तां कहिंदे सो बाबा बुढ़ा जी के पास जाओ, ओ तुहानूं पुत्र दी दात देणगे, उहनां ने तां तुहाडा नाम फेर लैता। गंगा गए किवें सी, कहिंदे जी रथां ते गए सी नाल सेवादार सन, कहिंदे इदां नहीं जाईदा किसे गुरु कोल, किसे साधु कोल, किसे महापुरख कोल जदों जाइए कहिंदे निम्रता दे नाल जाइए। आखो सतनाम साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोई, कहिंदे पछे पाउ ना दीजिए आगे होए सो होए। गुरु कोल जाओ, सतपुरखां कोल जाओ, महापुरखां कोल जाओ, ए नहीं इत्थे बाणी दे विच लिखिया भी किसे नूं नाल नहीं लेके जाना, गवांडी नूं नहीं नाल लेके जाना, ना साथ ना लीजे कोई दा पावै अपनियां होमे अपने औदे, कहिंदे वार ही छड्या आ कर। आखो सतनाम भाव निम्रता दे नाल जाईदा। गंगा अज द्वारा फिर जाओ, निम्रता दे नाल जायो, रथा ते ना जायो, तुरके जायो, नंगे पैरी जायो, ज्यादा सेवादार लेके जान दी लोड़ नहीं, एक सेवादार ले जायो नाल, मिस्से प्रशादे ले जायो, गंडा ले जायो, लस्सी ले जायो, निम्रता दे नाल जाके बेनती करियो। सुनियो गल, अगले दिन जिवें गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वो बचन कीता उसे तरह ही माता गंगा जी गए। अज रथा ते नहीं, अज बहुते सेवादार नहीं लेके गए, एक बीबी नूं नाल लै गए, नंगे पैरी गए ने, हाथ दे विच कटोरा लै लिया लस्सी दा, जिवें बीबियां प्रशादे नहीं सिर ते रख के पहिलां खेतां च लेके जांदे सी, ਇਦਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ
बाबा बुढ़ा जी माता गंगा जी नू वेख के ना बड़े खुश होए। कहिंदे माता जी बड़ी भुख लगी सी, बच्चियां दा फिकर मावां नू ही हुंदा, लियाओ छेती छेती लियाओ प्रशादा छकाओ। इतिहास कहिंदा बाबा बुढ़ा जी ने हाथ मनी सुचे किते, उदां ही धरती ते चौंकड़ा मार के बह गए। चौंकड़ा मार के जदों बैठे साध संग जी, हाथ दी तली ते रखे प्रशादे, ते जदों प्रशादे रखे नाल माता जी लेके गए सी गंडा, ते साध संग जी हाथ दी तली ते रख के ना ओ गंडे नू पन्निया। माता कल आए सो पुत्र चाहिदा, ले इदां दा पुत्र घर च होएगा, अजिवें गंडा भन्निया ना ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਦਾਂ ਭੰਨਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਦਾਗ ਗਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਢਾਈ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਈ, ਅਰਥ ਸਿਖਾਏ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 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 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। 125 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਜੋਬਨੀ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਜਿਉਂ ਢਲ ਢੁੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨਾਉ ਭੁੱਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ। ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਲੋਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੜੀਏ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ, ਥੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
जिंदड़िए हो गया पराना झोला थोड़ी रहने ने जिंदड़िए हो गया पराना झोला दिन ता थोड़ी रहने ने जिंदड़िए हो गया पराना झोला हो गया पराना झोला हो गया पराना झोला हो गया पुराना छोड़ा हो गया पुराना छोड़ा हो गया पुराना छोला 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 हो गया पुराना पुराना छोड़ा हो गया पुराना छोड़ा दिन तो थोड़े रह गए ने जिंदड़िए हो गया पुराना थोड़े रह गए ने जिंदड़िए हो गया पुराना छोड़ा थोड़े रह गए ने जिंदड़िए हो गया पुराना छोड़ा दिन तो थोड़े रह गए ने जड़िए हो गया पराना झोला थोड़ी रह गए ने जड़िए हो गया पुराना थके पया पुराना चोला की ना सुन ही गोरिए अपन कन्नी सोए लगी आवे सहुर नित ना पईए हुन साध संगत जी बाबा बुड्ढा जी दी कमाई सी पहले ही पता लग गया जो परमेश्वर वल्लों सवासां दी पूंजी दित्ती गई सी ओ पूरी होण वाली है ते साध संगत जी एक कमाई वालियां नूं पहले ही पता लग जांदा है जो के सत्कार योग ज्ञानी बापू जगिंदर सिंह जी परिवार ने दसिया कहिंदे उन्हां दे ना कपड़े उन्हां दे वस्त्र टेलर नूं दित्ते हुए सी पता सी वी दित्ते है लैण ही नहीं गए अपने वस्त्र जदों शरीर थोड़ा जिहा ढिल्ला होया ना डॉक्टर दवाई दिंदे ने चेकअप करदे ने घरदियां नूं पहले ही कहण लग गए मेरा तां हुण समां नेड़े आ गया खो सतनाम वाहिगुरु देखो ना उह पता लगन लग जांदा प्यारिआं नूं पहले ही आखन लग जाना डॉक्टर ने दवाई देनी उन्हां दा चेकअप करना घर जदों आना उन्होंने कहन लग जाना मेरा हुण समां नेड़े आ गया हुण नहीं मैं बचदा इसे तरह ही प्यारियो बाबा बुड्ढा जी ने ना जदों समां नेड़े आउण दा पता लग्गिया रमदास चले गए अपने नगर ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੋ ਵੇਖਿਓ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ
कहिंदे सतगुरु जी मेरा आ गया समा नेड़े, मैं हुण इस संसार तों चलिया। मैं महाराज 12 साल दी उम्र दा सी जदों मैं तुहाडे चरणा दे नाल जुड़िया सी। मेरी भावना दे अंदर तो गुरु नानक देव महाराज भी अज भी तुसी हो, मेरे भाणे तो गुरु अंगद देव महाराज भी सी, मेरे भाणे तो गुरु अमरदास महाराज भी, मेरे भाणे गुरु रामदास महाराज भी तुसी हो, गुरु अर्जन देव महाराज भी तुसी हो। महाराज बड़ी सेवा कीती है, सेवा करदे तो बड़िया भुल्लां हो जांदियां ने। आखो सतनाम वाहेगुरु, भुल्लां हो जांदियां ने। महाराज मेरी बेनती है, दसो बाबा जी की गल है। अज सदा जी प्रेम वाला आ गया है, अज सदा जी प्रेम वाला आ गया है, प्रेम वाला आ गया है, अज सदा जी प्रेम वाला प्रेम वाला आ गया है, अज सदा जी प्रेम वाला आ गया, अज सदा जी प्रेम वाला आ गया है, अज सदा जी प्रेम वाला आ गया है, सदा जी प्रेम जी प्रेम वाला आ गया है, आज सच्चा जी प्रेम वाला आ गया, आज सच्चा जी प्रेम वाला आ गया, भुला करो पाप मेरिया, आज सच्चा जी प्रेम वाला आ करो माफ मेरिया, अज सदा जी प्रेम वाला आ गया, भुला करो माफ मेरिया, अज सदा जी प्रेम वाला आ गया, भुला करो माफ मेरिया, अज सदा जी प्रेम आ गया, भुला करो माफ मेरिया, अज सदा जी प्रेम वाला आ गया, भुला करो माफ मेरिया। साध संग जी बाबा बुढ़ा जी आखन लगे अज मेरा समा नेड़े आ गया, सेवा करद्या तो बड़िया भुल्लां होईयां ने, महाराज भी कृपा करके बख्श दिओ। छेवें पातशाह जी पता की आखण लगे, नहीं बाबा जी एदां नहीं आखीदा, तुहाडी बड़ी सेवा, तुहाडी बड़ी सेवा, एदां नहीं कहीदा बाबा जी। सतगुरु कहिंदे नहीं नहीं, छेवें पातशाह जी जिवें मैनूं गुरु नानक देव जी ने बूढ़े तों बुढ़ा बनाया, जिवें मैनूं गुरु नानक देव जी बुलाउंदे सी ओह बुढ़िया इधर आ, ओह बुढ़िया आ कम कर लै, मैनूं इदां आख दो वी जा बुढ़िया तैनूं बख्श, इदां कह दो महाराज वी जा बुढ़िया तैनूं बख्श बख्श। जदों महाराज तुसीं इदां दा वचन कर दोगे ना, मैनू दरगाह दे विच थां मिल जू। आखो सतनाम, मेरा मरना भी सौखा हो जाना, मेरा मुख भी उजला हो जाना। आखो सतनाम, हे सतगुरु जी मेरे ते कृपा करो,
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ। ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, 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 ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, 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 ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਪੜੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਜਾ ਬੁੱਢਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਕਰੇ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ।
घर वार त्याग फकीर होवे एहो जिहे फकीर दे क्या कहने जिहदी गुरु चरणा च अखीर होवे एहो जिही अखीर दे क्या कहने। धन सी ओ बाबा बुढ़ा जी जिन्हां ने इन्नी सेवा कीती और दुनिया तो बेदाग गए ने आखो सतनाम। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का बचन है कबीर जग काजल की कोठरी अंध परे तिस माहे हौ बलिहारी तिन कौ पैस जो नीकस जाए नीकस जाए। ये जिहड़ा संसार है भाई कालक दी है कोठी ए संसार है कालक दी कोठी ते इस कालक दी कोठी दे विच कहिंदे अन्ने बंदे नूं बाड़ दिओ जे फेर भी कहिंदे बेदाग चलिया जाए दुनिया तों उहदे तों बलिहारे जाइए आखो सतनाम। इसे तरह बापू जोगिंदर सिंह जी नत जिन्हां दा जीवन बड़ा वधिया सी इस घर दे विच जो कि संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी पिंडरां वाले व्याहे होए नितनेमी परिवार है और गुरु महाराज जी की संगत करना ते भाई साहब जी भी उन्हां दा जीवन बड़ा वधिया सी जदों भी उन्होंने बुलाउणा प्यार दे नाल बुलाउणा किते भी ड्यूटी ते रोल लाउणी जां किते सहज पाठ करना बड़े प्रेम नाल गुरु साहब जी की सेवा करदे सी। पर जेड़े इदां दी सेवा करके जांदे ने गुरु दे नाल इक मिक हो के जांदे ने ए सच्ची गल है भी सतगुर सेती रतियां दरगह पाई है उन्हां नूं दरगाह दे विच थां मिल जांदी है भाई। सो भाई साहब जी हुणां दी आपां अंतम अरदास दे समें ते एकत्र होए आ गुरमुख परिवार ने श्री सहज पाठ साहिब उन्हां दे निमित्त करवाए उस तों बाद आपां कीर्तन दे विच हाजरी भरी अमृत वेले सहज पाठां दे ग्रह विखे भोग पाए गए गुरु घर विखे इस वक्त अंतम अरदास होवेगी। कीर्तन दे विच आपां सारी संगत ने हाजरी भरी है कीर्तन करदिआं तो इक ने जी बड़ियां भुल्लां गलतियां हो जांदियां ने तूं समर्थ वड्डा मेरी मत होड़ी राड़ा बड़िया भुल्लां होईयां होणगीआं बख्श लैणा प्यारे पर जो दुनिया ते अपना आउण दा प्रयोजन ए शरीरा मेरिया इस जग मही आए कै क्या तुद कर्म कमाया। जो अपना दुनिया ते आउण दा प्रयोजन है जो अपना मनोरथ है ओ मनोरथ नूं पूरा करिए भाई। भई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलण की एहो तेरी बइया। आ जिहड़ा तैनूं शरीर मिलिया ना भाई गुरु नूं मिलण वास्ते है गुरु दी बंदगी करन वास्ते है। जे बंदा परमात्मा दी बंदगी नहीं करदा ते बंदे नालों तां फिर महाराज कहिंदे ने पशु भी चंगे आखो सतनाम। पशु मिले चंगियाईयां खड़ खावे अमृत दे नाम विहोणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। बंदिया तेरे नाल पशु तां चंगा है भी पशु ना सुका घा खा के अमृत वर्गा दुध दिंदा है ते तू 36 प्रकार दा भोजन खा के की करदा दुनिया कहिंदे मूंह ते कपड़ा लैके लंघदी आ आखो सतनाम। इस करके ओ परमात्मा दी बंदगी करिए भाई। कबीर मानस जन्म दुलंब दुलंब है होए ना बारंग ज्यों बन फल पाके पोए गिरे बोहर ना लागे। ओ परमात्मा दा नाम जपिया करिए भाई। जदों अमृत वेला हुंदा अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भई अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा प्रगटे पदे। जदों अमृत वेला हो जांदा है उठ के नाम जपिया कर भाई। ओ परमात्मा दी बंदगी करिए कर आवा धारना पढ़ के फिर करिए आपां समाप्ति। उठ जाग सवेरे नी जंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी। उठ जाग सवेरे नी जंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी। जाग सवेरे नी जंदड़िए पढ़ सतगुर
सतगुर दी बाणी उठ जाग सवेरे सिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी उठ जाग सवेरे सिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी उठ जाग सवेरे तू सिंदड़िए पढ़ ले गुरा दी बाणी उठ जाग सवेरे जी सिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी सवेरे तू जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी उठ जाग सवेरे तू जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी जाग सवेरे नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी उठ जाग सवेरे नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी पढ़ सतगुर दी बाणी सतगुर दी बाणी पढ़ सतगुर दी बाणी पढ़ लै गुरां दी पढ़ो पढ़ो पढ़ लै गुरां दी बाणी तू पढ़ लै गुरां दी बाणी पढ़ लै गुरां दी बाणी जाग सवेरे नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी उठ जाग सवेरे नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी उठ जाग सवेरे नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी उठ जाग सवेरे नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी जाग सवेरे पढ़ सतगुर दी बाणी जाग सवेरे जिंदड़िए नाम जपन को जिहवा दित्ती हर दर्शन को अखी एक एक स्वास अमोलक तेरा हाथ न आवे लखी 24,000 पवे नित घाटा आमदन मूल ना जिस बंदे को इतना घाटा सो बंदा कैसे जीवे रोज 24,000 बंदे नू स्वास आ रहे ने भाई ते जे नहीं परमात्मा दी बंदगी कर दे ते साध संग जी मनुखा जन्म अपना व्यर्था जा रहा है जेड़े बंदे बाणी नू पढ़दे ने बाणी नू सुणदे ने सुणिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुणिया धरत धवलिया कास सुणिया सुणिया पोहे ना सकै काल कहिंदे नानक भगतां सदा विगाह सुणिया दुख पाप का जेड़े बंदे बाणी नू सुणदे ने बाणी नू पढ़दे ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖਿਮਾਂ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਇਸ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਦੇਵ ਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਨਖਿੱਧ ਜੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆ ਵਧਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ
गुरु मैं पाया ए मन तेरा तू सदा रोहर नाले मन नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना कारो जदे तेरा कार्य सब सवारना अपना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो बेसारी नानक मन मेरे सदा रे साचे सही बाबा क्या नहीं करते सलाह तेरी नाम मन विसारे जिन के मन बसिया बाजे शब्द बनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम आधार मेरा जिन सुख मन आई बसिया जिन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान इस दियाए वड़ियाया कह नानक सुनो संत शब्द तरु पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वजी शब्द तत कर सुबह के शब्द बाजी लालित कर पांच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया पाया तुद जन को से नाम हर के नागे कह नानक तह सुख हुआ जित कर अनहद वाजी प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे लोग सुनता पुत्रे सुनी सची मां संत सजन भई सरसे पूरे गुरते जानी पुनित कहते पवित संत गुर रहया लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई जाया खेल सगल जगत जग आया बुर आया वाच धर्म पूर कर्मिया पू अपनी सकत काल नानक ती मुख उजले किती छुट्टी ना जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ती उजले किती छुट्टी नाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह ठाकुर।